देश के 421 और मध्य प्रदेश के 18 विश्वविद्यालयों को यूजीसी ने घोषित किया डिफाल्टर, मचा हड़कंप। रीवा एपीएसयू के कुलसचिव ने दी सफाई, बोले शासन से मांगेंगे मार्गदर्शन। इस वक्त आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर, खबर मध्य प्रदेश के रीवा से। यूजीसी के निर्देशों की अवहेलना करना देश के 421 और मध्य प्रदेश के 18 विश्वविद्यालयों को भारी पड़ गया, जिसमें प्रदेश के जाने माने विश्वविद्यालयों के साथ ही रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का नाम भी शामिल है। यूजीसी ने इन सभी विश्वविद्यालयों को लोकपाल की नियुक्ति करने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन विश्वविद्यालयों के प्रबंधन के द्वारा लापरवाही बरती गई और लोकपाल की नियुक्तियां नहीं की गईं। गंभीर लापरवाही बरतने पर यूजीसी ने 18 विश्वविद्यालयों को डिफाल्टर घोषित कर दिया है, जिसके बाद रीवा एपीएसयू विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने सफाई दी है। एक्चुअल में यूजीसी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश शासन का एक पत्र आया था 14/6/2023 को, जिसके अंतर्गत एक माह के अंदर लोकपाल की नियुक्ति करनी थी। लोकपाल जो स्टूडेंट्स ग्रीवेंसेस रहते हैं, शिकायतें रहती हैं, उनके निराकरण के लिए नियुक्त किए जाने का एक प्रावधान है, लेकिन इस एक माह के अंतराल में हम लोगों ने जो विज्ञापन किया पहली बार वो 4/10/2023 को विज्ञापन किया, लेकिन एक भी आवेदन विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुए। और लोकपाल के लिए जो एलिजिबिलिटी शासन ने निर्धारित की है वो रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड वाइस चांसलर या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, ये एप्लीकेंट हो सकते हैं, लेकिन नियत दिनांक तक एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुई विश्वविद्यालय को, इसलिए विश्वविद्यालय ने लोकपाल की नियुक्ति नियत तिथि में नहीं कर पाई। फिर शासन का दोबारा पत्र आया तो हम लोगों ने फिर से विज्ञापन किया 18/1/2024 को। इसमें थोड़ा सा विलम्ब इसलिए हुआ चूँकि बीच में इलेक्शन था, इसलिए उसका विज्ञापन नहीं कर पाए थे आचार संहिता लागू होने के कारण। तो दोबारा विज्ञापन आया है, इसकी लास्ट डेट 12 फरवरी 2024 है, और देखते हैं हम लोग अगर इसमें आवेदन आते हैं विश्वविद्यालय के पास तो उसमें नियुक्तियां कर दी जाएंगी, नहीं तो फिर शासन को लिखा जाएगा कि एक गाइडलाइन दें जिससे कि हम उस आधार पर नियुक्त कर सकें। अगर आवेदन हमारे पास नहीं आते हैं उस स्थिति में हम किस प्रकार से इनकी नियुक्ति करें, एक गाइडलाइन हम चाहेंगे शासन से। सर, यूजीसी ने कहा है कि अगर जल्द नियुक्ति नहीं की गई तो अनुदान राशि में भी कटौती की जाएगी। निश्चित उनका आदेश है तो उसको तो पालन किया जाएगा। यूजीसी अथवा शासन का जो भी निर्देश होता है उसको अक्षरशः पालन किया जाता है विश्वविद्यालय द्वारा, लेकिन चूंकि ऐसी परिस्थितियां हैं, हमारे पास कोई आधार नहीं है, हमारे पास जब तक आवेदन नहीं आएंगे तब तक नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे पूरी हो पाएगी, इसके लिए फिर शासन से हम और यूजीसी दोनों से मार्गदर्शन चाहेंगे और जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।